नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं भारत के KYC नॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप एक सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, मान लिया भारत के सिटीजन है और आप एक सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं, तो आज के डेट के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ तरीकों से आप सिम कार्ड ले सकते हैं। तो सिंपली आपको खुद को जाना होगा और आपके किसी भी एक ID कार्ड को लेकर जाना होगा और वहाँ पर से जाकर आपका eKYC प्रोसेस जो वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे और eKYC के बाद आपको एक सिम कार्ड दे दिया जाएगा। और आज के डेट के अंदर अगर आप भारत के सिटीजन है तो मैक्सिमम आप 9 सिम कार्ड तक एक डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। तो ये था अगर आप भारत के सिटीजन है तो आपके लिए ये पर्टिकुलर नॉर्म्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत घूमने के लिए आते हैं, किसी भी काम करने के लिए भी आ सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए भी आ सकते हैं या ट्रीटमेंट करने के लिए भी आ सकते हैं। तो भारत के जो नेबरिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल नेपाल और भूटान, उनके लिए मेनली भारत सरकार की तरफ से उनका जो सिम कार्ड KYC नॉर्म्स है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। तो अगर आप नेपाल या भूटान के अंदर रहते हैं या आपके किसी भी रिश्तेदार जो वो सारे कंट्री के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर किसी भी काम से आए होंगे, तो उस जगह के अंदर उनका जो सिम कार्ड लेने का प्रोसीजर है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी देश के अंदर रहते हैं और आप भारत के अंदर घूमने के लिए आए हैं तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो वैसे जगह के अंदर अगर भारत के लोकल सिम कार्ड आपको चाहिए तो पहले क्या होता था कि आपके जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट के साथ एक वैलिड वीज़ा स्टैम्प के साथ वो पासपोर्ट को सबमिट करना होता था, उसका एक फ़ोटो का भी सबमिट करना होता था और आपके वीज़ा का जो वैलिडिटी है, फॉर एग्जाम्पल आप 7 दिन के लिए भारत के अंदर आना चाहते हैं तो 7 दिन के लिए ही आपके एक सिम कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है और 7 दिन के बाद वो सिम कार्ड एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर पासपोर्ट है आपका, उसी पासपोर्ट को दिखाकर आपको सिम कार्ड दिया जाता था और उस पर्टिकुलर पासपोर्ट के अंदर जितना भी वीजा का टाइम है उस टाइम तक ही आपको यहां पर सिम कार्ड का जो एक्टिवेशन है वो आपको मिलते थे। लेकिन रिसेंटली नेपाल और भूटान के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ चेंजेस यहां पर किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स है या जो टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस यहां पर किया गया है। पासपोर्ट को छोड़कर किसी भी दूसरे ID को आपको यहाँ पर कैरी करना होगा, मतलब पासपोर्ट से इसके बाद आप यहाँ पर सिम कार्ड नहीं ले सकते, पहले पासपोर्ट के कॉपी से ही हो जाते थे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, एक है नेपालीज और भूटानीज सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वो अगर आपके पास है तो वो आपको शो करना होगा, या अगर आपके पास नहीं है तो वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल और भूटान, तो आपके जो वोटर आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो कार्ड को यहाँ पर कैरी करना होगा, उसका एक फोटोकॉपी यहाँ पर जमा करवाना होगा। उसी के साथ आपको लिमिटेड वैलिडिटी फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय नेपालीज मिशन, रॉयल भूटानीज मिशन इन इंडिया, कोई भी नेपालीज मिशन या भूटानीज मिशन है उनके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर शो करना पड़ सकता है। तो ये 3 आइडेंटिफिकेशन कार्ड के अंदर किसी भी कार्ड को आप शो करके आप मेनली जो भारत के सिम कार्ड है वो यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जब तक आपके वीजा रहेंगे भारत के अंदर तब तक ही मेनली उस सिम कार्ड को इशू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हो सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल के लिए भारत के अंदर रहेंगे तो मैक्सिमम जो टाइम जो एक सिम कार्ड के लिए वैलिड होंगे वो होंगे 3 महीने, मतलब 3 महीने मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि एक सिम कार्ड को एक्टिवेट करके आप 3 महीने तक यहां पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेपाल या भूटान के अंदर रहते हैं लेकिन इंडिया जो आ रहे हैं वो किसी दूसरे कंट्री से यहां पर इंडिया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप नेपाल या भूटान से आप UK गए हैं और वहां पर से आप इंडिया के फ्लाइट पकड़ के इंडिया आए, तो UK के अंदर कुछ दिन आपने रहे, तो उस जगह के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तो सबमिट करना ही होगा, प्लस आपके जो पासपोर्ट है उसका एक वैलिड फोटोकॉपी जो है वो यहाँ पर सबमिट करना होगा, फिर जाकर आपको एक सिम कार्ड को दिया जाएगा। तो यही टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर बदल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे नेपाल और भूटान के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे लोगों के लिए, और बाकी जो दुनिया के अंदर जो भी लोग हैं उनके लिए जो नियम है वो बिल्कुल सेम होंगे, वहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। आपको बताए 2023 की अगर मैं दिसंबर महीने की बात करता हूँ तो 1 दिसंबर से जो सिम कार्ड का जो बेचना है या उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो दुकानदार यहाँ पर सिम कार्ड बेचते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मॉनिटरी हो चुका है और भी बहुत सारे करे स्टेप्स जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग जो है वो नेपाल भूटान से भारत के अंदर आते हैं, उनको सिम कार्ड की ज़रूरत है कनेक्टिविटी के लिए, तो उनके लिए मेनली ये पर्टिकुलर रूल्स को लागू किया गया ताकि आने वाले टाइम के अंदर उन्हें ज़्यादा झंझट जो है वो यहाँ पर लेना ना पड़े। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आप सब मिलेगा तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।